बिग बॉस 13 से मशहूर हुए आसिम रियाज एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आसिम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे रोहित शेट्टी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो आसिम रियाज का वीडियो वायरल हो रहा है, ये रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 से है। आसिम रियाज एक ऊंचाई भरी स्टंट को करने में फेल हो जाते हैं और यहाँ से सारा फसाद शुरू हो जाता है। आसिम कहते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ मेकर से अगर किसी ने यही स्टंट उसके सामने पूरा करके दिखा देता है तो वे एक रुपया नहीं लेंगे इस शो के। तभी रोहित शेट्टी आसिम रियाज को रिहर्सल वीडियो दिखाते हैं कि कैसे इस स्टंट को पूरा करना पॉसिबल है। रोहित शेट्टी कहते हैं, पहले क्रू मेंबर्स खुद स्टंट को करके देखते हैं, उसके बाद ही कंटेस्टेंट को स्टंट करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद आसिम खुद को एक सॉर्टेड इंसान कहना शुरू कर देते हैं और मामला बढ़ जाता है। रोहित शेट्टी, अभिषेक कुमार और शो के मेकर संग आसिम की लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते उन्हें शो से बाहर निकाल दिया जाता है। वायरल वीडियो में आसिम बोलते हैं कि 6 महीने में 4 गाड़ी बदलते हैं, इस शो में वे पैसा कमाने नहीं आए हैं। तो चलिए डालते हैं एक नज़र आसिम रियाज की नेटवर्थ पर। खबरों के मुताबिक आसिम रियाज महीने के 20 लाख रुपए कमाते हैं और सालाना कमाई इनकी 1.5 करोड़ रुपए है और इनकी नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ रुपए आकी गई है। 6 महीने में 4 कारें बदलने वाले आसिम रियाज के पास 68 लाख की BMW 5 सीरीज की स्पोर्ट्स कार है, 82.49 करोड़ की ऑडी Q7 और एक जिप रूबिकॉन भी है जिसकी कीमत 66.64 लाख रुपए है। इसके साथ ही वे महिंद्रा थार गाड़ी के भी मालिक हैं। आसिम रियाज के पास एक रॉयल एनफील्ड 350 बाइक भी है जिसकी कीमत 1.90 लाख रुपए है। रियल इस्टेट में भी आसिम रियाज ने इन्वेस्ट किया है। बेंगलुरु में आसिम का एक आलिशान घर है, जम्मू कश्मीर में पैतृक संपत्ति है, इसके अलावा मुंबई में एक सी फेसिंग अपार्टमेंट भी खरीदा है। हालांकि संपत्ति की सही कीमत का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। बिग बॉस 13 में आसिम रियाज को हिमांशी खुराना को देखते ही उससे प्यार हो गया था। घर से निकलने के बाद लंबे समय तक दोनों साथ भी रहे, लेकिन कुछ समय पहले ही दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। आखिर ब्रेकअप किस वजह से हुई, इसका खुलासा दोनों ने अभी तक नहीं किया है।